नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बना रहे हैं चिकन मसाला, जो बेहद आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे चिकन को, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, विनेगर थोड़ा सा डालेंगे और हल्दी पाउडर थोड़ा सा और धनिया पाउडर लेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा लेंगे हम जीरा पाउडर। और इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया और ये चिकन मसाला ऐड किया, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढक के हम एक घंटे के लिए रख देंगे। तो मेरा एक घंटा हो चुका है और ये तेल डाल दिए पैन में। पैन डाल दिए पैन में, अब चिकन को डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है, जो मैरिनेट करके रखे थे वही चिकन है। तो इस तरह से हल्का हल्का इसको पलट के धीरे धीरे धीमी आंच पे सेकेंगे। तो इसी तरह से सेक लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा बीच में ढक के सेक लेंगे और पलटिया करेंगे। इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसी तरह से कम तेल में करेंगे फ्राई, क्योंकि ज़्यादा तेल डालेंगे तो मसाला सारे तेल पे आ जाएगी, तेल भी ख़राब हो जाएगी, चिकन भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए कम तेल में इस तरह से बनाएंगे हल्के आँच में। तो ये देखिए मेरा काफ़ी सारा बन चुका है। मैंने सारे सामग्री घर ही का लिया हूँ, तो आप घर में आराम से बना सकते हैं। तो ये मेरा अभी काफ़ी बन चुका है। तो अब इसमें हम जो दो प्याज दो टमाटर काट के इसको पीस लिए हैं, तो इसको हम डाल देंगे इसी में और इसको अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा कम डालेंगे, पहले मैंने डाल दिया था जब मैरिनेट किए थे। तो एक कश्मीरी रेड चिली पाउडर और या तो लहसुन का पेस्ट, पहले भी ऐड किया था तो अभी कम ही करेंगे, और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और ये कस्तूरी मेथी थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो सारे सामग्री अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए काफी बन चुका है अभी। तो इसी तरह से डॉक्टर के बीच में चेक करते रहेंगे, जलने नहीं देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे ढक के पका लेंगे। काफ़ी सारा पक चुका है। तो दोस्तों, आप सभी को अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।
तो अब ये होने वाला, ये बहुत सब 2 मिनट भी नहीं लगेगी। मेरा ये हाफ KG चिकन था और ये चिकन मसाला है, और इसको पकाने के लिए मुझे पूरे 40 मिनट लगे हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे धीमे धीमे इसको पकाएंगे तो समय लगेगी और टेस्ट बिल्कुल निकल के बाहर आएगी। तो गैस को कर देंगे बंद, अब इसको हम निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।